रूपा जी, सबसे पहले देख रहे हैं यहाँ पे कि कैसे सीड 6100 के ऊपर आज भी सस्टेन होकर चल रहा है 1.25% की तेजी के साथ। रूपा जी देख रहे हैं कि कैसे के अंदर जो पहले वाली तेजी थी 6500-6600 वाली, अब वो कहीं ना कहीं थमती हुई नजर आ रही है। अभी बीच में ट्रेंड्स ऐसे जरूर बनते हुए नजर आए थे कि जो तेजी है वो 6500 तक एक्सटेंड हो सकती है, लेकिन वहां से फिर ट्रेंड नीचे की ओर जाता हुआ नजर आया और एक बार फिर से 6100 के ऊपर सिमट के रह गया। आपको क्या लगता है, क्या कैस्टर में यही रुझान देखने को आगे भी मिलता रहेगा? हाँ देखिए, अगर एग्री कमोडिटीज की बात करें तो एग्री कमोडिटीज का बाजार जो है वो बहुत ज्यादा वोलेटाइल हो चुका है। बाजारों के अंदर अभी जो ट्रेंड देखने को मिल रहे हैं, हम देख रहे हैं कि एग्री कमोडिटीज कभी सभी कमोडिटीज लाल निशान के साथ कारोबार करती दिखाई देती है, तो कभी सभी कमोडिटीज में तेजी बन जाती है। तो अभी जो कहने की बात यह है कि इसमें वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा हो चुकी है, अप एंड डाउन बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। जो फंडामेंटल है वो कहीं ना कहीं अपना रोल जो है वो थोड़ा लेट प्ले करते हुए नजर आ रहे हैं। अभी अगर बाजारों की बात की जाए तो बाजारों में अभी उठा पटक का माहौल काफी देखने को मिला है। कुछ एक ऐसी कमोडिटीज हैं जो बिना फंडामेंटल के भी तेज होती हुई दिखाई दी हैं, और कुछ ऐसी हैं जिनका फंडामेंटल सपोर्टिव है लेकिन उनमें अभी तेजी नहीं बनी है। तो ओवरऑल अगर बात की जाए, अभी कैस्टर की अगर हम बात करें तो कैस्टर सीड जो है तेजी में है। इसमें देखिए गिरावट जो है वो आई जरूर, लेकिन बहुत ज्यादा हमने जो लेवल दिया था 6000 का, 6000 के नीचे लुढ़के तभी इसमें मंदी बनेगी, लेकिन आप देखिए वहां पर सस्टेन है। अगला महीने का वायदा जो है वो 6200 के ऊपर निकल चुका है, एक्सपायरी करीब है, त्योहारी सीजन है, तो अभी जो है उठा पटक बनी रह सकती है, लेकिन ट्रेंड अभी भी कैस्टर का पॉजिटिव है। डिमांड अच्छे खासे है, निर्यात मांग अच्छे खासे है, मुझे लगता है कि कैस्टर सीड जल्द ही 6500 का स्तर छूता हुआ दिखाई दे सकता है नवंबर वायद जी। तो जैसे कि रूपा जी ने बताया कि कैसे की डिमांड अच्छी है और फंडामेंटल्स भी मजबूत है, हालांकि उठापटक लगी रहती है वायदा बाजार के अंदर, लेकिन कैसे की कीमतों में अभी भी तेजी देखने को मिल सकती है। जिस हिसाब से निर्यात मांग निकल के सामने आ रही है, उससे कैसे की कीमतों को एक गति मिलती हुई नजर आ सकती है। आपको बता दें कि जुलाई 2021 और अगस्त 2021 में कैस्टर ऑयल की जो एक्सपोर्ट डिमांड है उसके अंदर तेजी देखने को मिली है बीते साल की समान अवधि के मुकाबले, जिसकी वजह से कैस्टर की कीमतों में अभी तेजी देखने को मिल सकती है। और उपज जी के अनुसार कैस्टर की कीमतें 6300 का लेवल दिखलाती हुई नजर आ सकती हैं।